ओम शांति। 28/12/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार, मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्स देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। आज बाबा ने एक नई बात बताई है कि जिसको ज्ञान देना है वो पात्र देख करके देना है। ऐसे नहीं कि आप बाबा का ज्ञान दे रहे हैं और उनकी मन है ही नहीं सुनने की, उनकी वृत्ति कहीं जा रही है, मन भटका हुआ है और आप लगे हुए हैं। तो नब्स देखो सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। टाइम वेस्ट फालतू में नहीं करना है। प्रश्न है मुरली का, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही, मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? बताओ बाबा कहते हैं कि तुम कौन हो, क्यों कहलाते हो? हाँ? ब्रह्मा है प्रजापिता, श्री बाबा का बच्चा, उच्चते उच्च उस निराकार को कहा जाता है, श्री बाबा को। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं, रचना है। रचना को कभी रचता से कंपेयर नहीं कर सकते। रचना सदा छोटी और रचता सदा बड़ा, उच्चते उच्च रचता बाप और बाकी रचना सब उनसे नीचे हैं। तो विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो यह पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव है, स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं, आत्माएं तो हैं ही परमपिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए, बोलो हमको वह राजयोग सिखलाते हैं। वह बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। कौन समझाते हैं? शिव बाबा स्वयं निराकार परमात्मा इनके आधार लेकर के हमें सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। तो पहले यह ब्रह्मा सुन लेते हैं, जगत अम्बा भी सुन लेती हैं, हम हैं भी के गाया भी जाता है, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी थे, पवित्रता भी थी, तो हमारा बाबा है, यह है दादा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था। क्यों था सुखी? क्योंकि पवित्रता वहां थी, तो पवित्रता भी थी, तो वह हमारा बाबा है, यह है दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं, कितने उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा द्वारा श्री बाबा राजयोग सिखलाते हैं, उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य, भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था वह देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, फिर वर्ण भी बताने पड़े।
समय पहले से लेना चाहिए बोलो, इन बातों को चित लगा कर अच्छी रीति सुनो, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ, हम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं, योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, ना कि बाहुबल से। यहाँ किसी का भी किसी भी प्रकार से शस्त्र से, शास्त्रों से या किसी भी तरह का बाहुबल से लड़ाई या नहीं है। यहाँ आत्मा की आत्मा से लड़ाई है। आत्मा में जो असुरी अवगुण है उनको सद्गुणों में बदली करना है, मन को शुद्ध बनाना है। जो मन में पांच विकार हैं उन पांच विकारों को परमात्मा की याद से खत्म करना है, योग अग्नि से जलाना है। जितना परमात्मा को जास्ती याद करेंगे उतने ही आपके भी कर्म विनाश होंगे, पाप दग्ध होंगे उसकी याद से। तो बाबा कहते हैं इस तरह से योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, ना कि बाहुबल से। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। यह स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके, यह दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है, बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता नहीं है। यह रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। देखो यह सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बाबा कहते हैं हो तुम भी परंतु तुम पहचानते नहीं हो। बाबा कहते हैं हैं तो सभी, लेकिन बाबा को बाकी सब पहचानते नहीं ना। तो प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बाबा कहते हैं अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। झोला टांग लेना, वस्त्र पहन लेना, सात्विक भोजन कर लेना, उसे बाबा ने ब्राह्मण की पदवी नहीं दी है। वैष्णव अर्थात वस्त्र पहनना, ओढ़ना, सात्विक भोजन करना, ये तो बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन इसके अलावा मन में किसी भी प्रकार के पांच विकार में से एक भी प्रकार आपकी आत्मा में टच भी ना कर पाए, और इस देह से एकदम न्यारा होना, न्यारे होकर के रहना, वो ब्राह्मण बाबा ने कहा है। अपने आप को अशरीरी समझ, चैतन्य आत्मा समझना है ना, पांच विकार टच ना करें, ऐसे बाबा ने फिर ब्राह्मण पवित्र आत्माओं को कहा है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं, राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सिजरा, ब्राह्मण है चोटी, दिखाते हैं ना ब्राह्मणों की चोटी। तो बाबा ने कहा अभी जो तपस्या में बैठे हैं पेड़ में, बेहद का जो बाबा ने ड्रामा का चित्र बनवाया है, तो उसमें जो जड़ में बैठे वो चोटी है। बाबा कहते तो बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, और जो जन्म मरण में आते हैं फिर भले वो देवी देवता हो तो वो कैसे भला भगवान कहला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि 84 जन्म लेता है कृष्ण तो वो भगवान हो ना सके, 84 जन्म पूरे होते ही देवता बनना है। कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, उनकी ही महिमा है। ओंकार वह है निराकार, निराअहंकारी, उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सादृश्य गए थे, पहले भी गए थे अभी भी जाएंगे, तो अब वही समय है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान उवाच वह है रचेता, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है, जो सदा प्योर है। सदा कैसा है? प्योर है ना परमात्मा, तो जो जैसा है वैसा ही तो बनाएगा। तो सतो प्रधान बनाने का काम बाबा कहते हैं मेरा है, मेरा कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं, वह आते जरूर हैं। शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए, पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए, पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है, कुमारी के पैर धोते हैं, हैं तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या, वह जो 21 कुल का उद्धार करे तो वह तुम्हारा मान चला आया है। अभी जो संगम युग पर
कुमारियां ब्रह्म कुमारियां बन जाती है ना, तो उनके लिए बाबा ने कहा है कि रियल में अभी जो पाठ चल रहा है तो ये ब्रह्म कुमारियां असल में कन्या, इनके द्वारा किस कुल का उद्धार होता है। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारा मान चला आया है, हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं ना। रूहानी बाप क्या करता है, रूह का डॉक्टर है ना, रूह को धोने आया, रूह को ठीक करने आया है ना, रूह को सुधारने आया है, तो रूहानी डॉक्टर हुआ, शरीर का डॉक्टर नहीं है वो। तो बाबा कहते हैं मैं तो रूहानी हूँ, तो रूह को ही ज्ञान देता हूँ, रूह को ही शुद्ध करता हूँ। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मैं जो हूँ सेवा करता हूँ भारत की रूहानी, और तुम बच्चे मेरे निमित्त बनकर फिर तुम भारत की रूहानी सेवा करते हो। तो हमारा उस्ताद, उस्ताद कौन, उस्ताद मददगार परम पिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म बार हेल्दी बनते हैं, यह गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है, सतयुग में इतनी बड़ी आयु कहाँ वाली, कहाँ से आए, कहाँ से आए, इस राजयोग से। इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं, वहाँ काले मृत्यु होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है, यह पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रह इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं, हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है, वह जिस्मानी यात्रा है। मनुष्य सिखलाते हैं बुद्धि की यात्रा, बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है। यह राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैंपलिंग लग रहा है, हम सब बाप उस बाप के बच्चे हैं, हम बच्चों को श्री बाबा से वर्षा मिलता है, यह दादा भी श्री बाबा से वर्षा लेते हैं। अब भी बेहद के बाप से वर्षा लो, यह बड़ी हॉस्पिटल है, हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे, जब तक जीवन जिएंगे तब तक निरोगी बनकर जिएंगे, और 150 वर्ष तक कोई रोग शरीर में आ नहीं सकता, बुढ़ापा भी नहीं आता है, लेकिन जब 150 वर्ष गोल्डन एज पूरी हो जाती है तो पुराना शरीर छोड़ नया बच्चे का शरीर पहन लेती है आत्मा। तो बाबा कहते हैं वहाँ किसी तरह का कोई रोग होता नहीं, हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी, और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी बनेंगे, सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे बनेंगे। इसलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो, बुद्धि रूपी दर्पण बाबा ने दिया है, उस बुद्धि रूपी दर्पण में चेक करो कि स्व दर्शन चक्र फिराओ कि तुम आत्मा स्व कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य अधिकारी बने हो कि नहीं। स्व पर जब हम अधिकार कर लेंगे, कर्मेंद्रियों के वश में नहीं, कर्मेंद्रियों को अपने वश में, प्रकृति जीत विक्रमाजीत बाबा ने कहा है, तो जब आप अपने सारे कर्म इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे तब फिर उत्तम पुरुष बनेगी। तो बाबा कहते पुरुष उत्तम कहते हैं ना, तो अभी पुरुष क्या हो गई, कनिष्ठ हो गई है ना, तो आत्मा को उत्तम बनाने के लिए बाबा आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को आईने में देखो कि लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो, तुम्हारी आत्मा पूरा नशोमोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। श्री बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है, जरूर पतित दुनिया में आए तो पावन बनकर बनाकर ले जाए। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं, बाबा कहते हैं ना कि दवाई कभी भी जेब में नहीं, उसे खाना पड़ता है ना, दवा जेब में नहीं उसे खाना पड़ता, और खाने के अलावा बहुत सारे परहेज भी देते हैं। तो बाबा यहाँ ज्ञान देते हैं तो उसके पीछे फिर बहुत सारे परहेज भी हैं, है ना, ज्ञान धारणा और शक्तियाँ। बाबा ने कहा समय प्रमाण अनुसार मुझे इस्तेमाल करो, कौन सी शक्ति कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करनी है, सहने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, है ना, बाबा ने निर्णय लेने की शक्ति, कितनी सारी शक्तियाँ बाबा ने हमें दी हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक आप किसी भी व्यर्थ में रहेंगे तो व्यर्थ में समर्थि कैसे आएगी, व्यर्थ को खत्म करने के लिए समर्थि में आना, और समर्थि अर्थात बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्पों की, तो श्रेष्ठ संकल्पों को
आपको जब मन में बार 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 महावाक्यों को उच्चारण करेंगे, महावाक्यों को मनन चिंतन करेंगे, तो फिर वो जो पुराने कमी कमजोरी वाले आपके संस्कार हैं, जो कमजोर संस्कार हैं, वो उस शक्तिशाली संकल्पों के नीचे दब जाएंगे, तो फिर आप शक्तिशाली महसूस करने लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से फिर जो जो भी है ना, बाबा कहते तो परहेज भी बहुत रखते हैं, हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी होम में स्वीट राजधानी है, हमारा त्याग सारी दुनिया का है, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, बूढ़े समझते हैं, बाबा कहते हैं बूढ़े क्या समझते हैं, वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का, चाहे फिर वो किसी भी उम्र का हो। बाबा कहते हैं सभी का भी कयामत का समय है, दुख धाम को भूल जाना है, यह है बुद्धि से त्याग। बाबा इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को भी समझाओ कि ऐसे ऐसे होना है, कुछ ना कुछ बाबा कहते हैं बच्चों को भी समझाना होगा, सुप्रीम सोल गॉड लाइट के बारे में, वो बेहद के बाप के बारे में बताओ, भल बच्चे नहीं समझेंगे कि कौन सोल कौन सुप्रीम सोल, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो समझूंगा ना कि बच्चे मुझ बाप को याद कर रहे हैं, तो ऐसे अपने बच्चों को भी समझाना है। बाबा कहते हैं यह है बुद्धि से त्याग, हमारी पूरी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल, नई दुनिया को याद करते हम क्या करते हैं, बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हैं ना, और नई दुनिया को नए घर को याद करते हैं, फिर अंतमति सुगति हो जाती है। यह सबसे बड़ी गॉड फादरली स्टूडेंट यूनिवर्सिटी है भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हम जो सुनाते हैं वह बैठ कर सुनो, बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रवाह टूट पड़ता है। हम बाबा कहते हैं हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं, श्री बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए, ठीक सुनता है, तबाही होकर तो नहीं बैठा है, यहाँ वहाँ तो नहीं देखता है, यहाँ बाबा भी देखते हैं कौन सामने सुनकर झूमते हैं, यह ज्ञान का डांस है। वे स्कूल तो छोटे बड़े होते हैं, बाबा कहते छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सकें और नंबर बार बिठाएं, यहाँ तो बहुत हैं नंबर बार बिठा नहीं सकेंगे, बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है कि इसकी बुद्धि कहाँ ही भागती तो नहीं है, मुस्कराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है। दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए, मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं भी के जादू ना लगा दें, इसलिए सामने देखते भी नहीं है ना, दृष्टि को बड़ा बुरा समझते हैं, दृष्टि देने से कई कई भाइयों के ऐसे भी मैसेज आए हैं कि हमारे घर में हमारे युगल बोलती हैं कि ब्रह्म कुमारी सेंटर जाने से बहनें जादू करती हैं, अपने वश में कर लेती हैं, जो दृष्टि देती हैं ना, तो देखो वो दृष्टि जो ब्रह्मा बाबा और बहनें हमें देती हैं, या दादियां देती हैं, या टीचर बहनें भाई देते हैं ना, तो वो दृष्टि उनकी शक्तियों के हमारे अंदर प्रवाह होता है, हमारे अंदर भी उनकी वो वृत्ति शक्तिशाली, जो उनके पावरफुल थॉट्स होते हैं ना, वो हमारे अंदर भी आते हैं, वो दृष्टि है बाबा से कनेक्शन जोड़ करके हमारे तक पहुंचाने की। तो बाबा कहते इस तरह फिर समझते हैं कि सिंधी लोग कहीं ये भी कि हमें जादू ना लगा दें, इसीलिए वो फिर आँख में नहीं आँख देखते डालकर। तो श्री बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हम सो का अर्थ भी समझाना है, हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है, कोई फिर ब्रह्मा को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अह ब्रह्मांसि, है ना, कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि हम ब्रह्मांसिम कहते हैं, तो फिर वो कई कई कहते हैं ना बाबा की फोटो को नहीं मानना, कई बाबा की फोटो को रखना अच्छा मानते हैं, कई कहते हैं नहीं नहीं निराकार को याद करो, तो इसमें भी शायद दो पार्टी वाले हैं ऐसा सुनने में है, बाबा माफी बाबा ज्यादा जानते, तो माया तो पांच विकार हैं, हम ब्रह्म को मानते हैं, अब ब्रह्म तो महातत्व है जो हमारा निवास स्थान है, जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू
कह देते, वैसे भी वह ब्रह्म तत्व को कह देते हैं। हाँ, तो बाबा क्या कहते, वैसे भी वह ब्रह्म तत्व को कह देते हैं कि हम ब्रह्मा हैं। बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यह महिमा देवताओं की है, क्योंकि देवताओं को बनाने वाला सर्वगुण संपन्न, सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान बाप है, उनको बाप समान बनाया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं यह महिमा देवताओं की है, कौन सी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है, आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, आत्मा ही एक शरीर बदल, दूसरा बदल, तीसरा बदल, ऐसे जितने शरीर लेती है उतने बार आत्मा ही सुख दुख भोगती है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही फिर नए जन्म में फिर से वही संस्कार, जब आत्मा का शरीर बड़ा हो जाता है तो फिर वो वही संस्कार उसमें फिर से आ जाते हैं जो पुराने भी न्यू बॉर्न से, बाबा कहते हैं ना इस तरह से कितने सारे आत्मा में जन्म हुए होंगे। आपके शरीर का आयु 40 वर्ष है, तो ये शरीर का 40 वर्ष आप देख रहे हैं कि शरीर की 40 वर्ष आयु हुई है, लेकिन बाबा कहते नहीं, आपने यदि 40 जन्म लिए होंगे तो 40 मात पिता, 40 तरह के संस्कार, 40 तरह के आपके फीचर्स, आपके कितने सारा कुछ हुआ होगा आपके साथ में, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते ये आपकी ये वाली उम्र नहीं, आपकी बहुत सारी उम्र का साथ चल रहा है और आपके कर्मों का हिसाब किताब रिश्ते नाते बहुत सारे साथ साथ चलते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि आत्मा ही बनती है पतित अथवा पावन, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। अभी बाबा पी स्थापन करते हैं तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो, वह तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं, तुम बाबा को क्या देते हो, कुछ देते हो, कुछ भी नहीं, दाता को हम क्या दे सकेंगे भला, हाँ दाता तो खुद देने वाला है। हाँ, जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी जो सांस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमसे हमारे विकार लेते हैं, वो छोड़ने कहते हैं और फिर उसके बदले हमें गुणों से भरपूर करते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं, हमें पुण्य आत्मा बनाने के लिए हमें सब कुछ देते हैं आकर के, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बाबा को क्या देते हो, जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइज दिया, किसने, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा तो दाता है, राजी लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं है, उनको अन्नदाता कहा जाता है, मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। भल तुम सन्यासियों आदि को देते हो परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है, भल हम इनडायरेक्ट किसी को देते हैं बाबा कहते, लेकिन दाता तो सिर्फ मैं एक हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं लेने वाला कैसे फिर आप कह सकते हो कि वो दाता है, वो तो लेता है ना, तो फिर बाबा तो कुछ नहीं लेता है, सन्यासी आदि तो लेते भी हैं, तो बाबा कहते हैं उसका भी रिटर्न फल जो आप देते हो किसी को तो उसका भी शिव बाबा ही देते हैं, कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं, फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो, जब ईश्वर देते हैं तो ईश्वर ने लिया है, परंतु ना वह लेते हैं ना वह देते हैं। बाबा कहते हैं वह तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है, यदि ईश्वर ने दिया उसने ही लिया तो दुख क्यों होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूं, तो सदा बाबा कहते हैं इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है इसलिए फुल प्राइस भी ले रहे हैं, कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं, यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती हैं, जैसे मम्मा भी गरीब थी फिर देखो कितनी देखी गई हैं, तन मन धन से सेवा कर रही हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम, डायरेक्ट नहीं जाते हैं, शांति धाम के बिना जा भी नहीं सकते, बाबा कहते सुख धाम में पहले अपने घर जाना है ना फिर बाद में आते हैं, तो जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे आएंगे, है ना, पिहर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर जाएंगे, आएंगे। बाबा कहते हैं यह है अशोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका, हाँ वहाँ कोई शोक है ही नहीं और यहाँ तो शोक ही शोक है, तो बाबा कहते यह है अशोक वाटिका रावण का और वह है राम का सतयुग अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार
और गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना पूरा नष्ट मोहा बनना है। दूसरा, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान है श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो है, बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाटधारी बनो, है ना। बाबा से मिलन हुआ तो बाबा ने बंधनों से मुक्त कर दिया कि नहीं कर दिया। स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी हो। बाबा कहते हैं ना, आप खुश हो या परेशान हो या दुखी हो, आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप खुश हो सचमुच या सिर्फ ऊपरी दिखावा है, है ना। एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं। गुस्से भी कैसा, एक प्यार वाला गुस्सा भी होता है, एक चंचलता वाला गुस्सा भी होता है, बहुत क्रोध में अलग ही दिखता। तो वो अंदर से समझ में आता है कि आप यूं ही गुस्सा कर रहे हैं या फिर सच में गुस्सा कर रहे हैं। तो